हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोस्टी सीरीज को द्वारा कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, हमें पता लगा था कि बुजियान एक जांग फैमिली का मेंबर है, वो टियान लू ऑक्शन हाउस की तरफ जा रहा होता है। तो लू जांग और मोकैन और जोजियान भी बोलते हैं कि हमें भी ले चलो साथ में, तो फिर वो साथ में चल पड़ते हैं टियान लू ऑक्शन हाउस की तरफ। टियान लू ऑक्शन हाउस की तरफ वो पहुंच जाते हैं बाहर, और मोकैन बोल रहा होता है अच्छा ये है टियान लू ऑक्शन हाउस। वहाँ पे गार्ड्स खड़े होते हैं, जैसे वुजियान उनके पास जाता है तो वो नीचे झुक के उसको ग्रीट करते हैं। वुजियान लू जांग को एक की देता है और बोलता है कि ये की है उस रूम की जो मैंने तुम्हारे लिए रिजर्व करके रखी है, मेरे को और भी काम है इसलिए मैं यहाँ से अब चलता हूँ। लू जांग बोलता है ब्रदर वुजियान दो मिनट रुको, मुझे ये तो बताओ कि प्रोसीजर क्या है अगर तुम्हें कोई आइटम डालनी होगी ऑक्शन के लिए। तो वुजियान बोलता है कि तुम्हारे पास कुछ सामान है जो तुम ऑक्शन में ऐड करना चाहते हो। तो लू जांग बोलता है मेरे पास एक फायर स्कॉर्पिकॉन लायन का कोर क्रिस्टल है। तो वुजियान बोलता है मेरे साथ चलो। वहाँ पे हमें एक इंसान दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है एक वर्कर को कि ध्यान से रखो उस आइटम को और वहाँ पे जल्दी पहुंचाओ उसे। हमें बताया जाता है वो होता है हाउलाओ जो कि मेन ऑक्शनर है टियान लू ऑक्शन हाउस का। तो बोलता है कि सेकंड यंग मास्टर तुम वापस आ चुके हो। तो वुजियान बोलता है कि मेरे फ्रेंड के पास एक फायर स्कॉर्पिकॉन लायन का कोर क्रिस्टल है ऑक्शन के लिए, तुम क्या मेरी हेल्प कर सकते हो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए और पता लगा सकते हो वो असली है कि फेक। हाउलाओ बोलता है ठीक है। लू जांग अपनी जूमी रिंग से फायर स्कॉर्पिकॉन का क्रिस्टल बाहर निकालता है और अपने हाथ में पकड़ लेता है। हाउलाओ बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है ये तो एक और क्रिस्टल है अडल्ट फायर स्कॉर्पिकॉन लायन का जिसकी हाइट 30 फीट थी और लेंथ 60 फीट थी। वुजियान बोलता है कि हाउलाओ मुझे बताओ कि हम स्टार्टिंग बिडिंग प्राइस क्या रखें इस कोर क्रिस्टल का। तो हाउलाओ बोलता है कि इतने साल हो गए हैं कि किसी अडल्ट फायर स्कॉर्पिकॉन लायन का क्रिस्टल इतने बड़े साइज का ऑक्शन हाउस में लाया गया है, ये मेन आइटम भी हो सकती है ऑक्शन की। मैं तो ये बोलता हूँ कि 30,000 स्क्वायर क्रिस्टल अच्छा है प्राइस स्टार्टिंग के लिए। तो लू जांग बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है, उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि इतना ज्यादा प्राइस, और वो बोलता है कि 30,000 स्क्वायर क्रिस्टल। फिर वुजियान ये गलत समझ लेता है और वो सोच रहा होता है कि प्राइस कम है शायद इसलिए। लू जांग हैरान हो गया, वो बोलते हैं कि ब्रदर लू जांग तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है स्टार्टिंग प्राइस बड़ा ज्यादा कम है पर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो फाइनल प्राइस है वो पक्का इससे बड़ा ज्यादा होगा। एक वर्कर आवाज डालता हाउलाओ को, तो हाउलाओ बोलता है क्या है। वो वर्कर बोलते है कि नेक्स्ट आइटम जो है ऑक्शन में वो वेपन रिफाइनमेंट स्किल है, इसलिए तुम्हें स्टेज पे जाना पड़ेगा। हाउलाओ बोलता है ठीक है। वो स्टेज पे चल जाता और बोलता है कि नेक्स्ट आइटम जो है ऑक्शन की वो एक वेपन रिफाइनमेंट स्किल है, ये जो स्किल है ये पास डाउन की गई है एक वेपन रिफाइनमेंट मास्टर के द्वारा जो की थी चेडाउजी की। ये स्किल किसी भी वेपन रिफाइनर की कल्टीवेशन को बड़ी ज्यादा इंक्रीज कर सकती है। इसका स्टार्टिंग प्राइस है 5,000 स्क्वायर क्रिस्टल। तो जो मेंबर्स होते हैं ऑक्शन हाउस में उनमें से एक बोल रहा होता है कि मेरे को तो डर है कि जो मेंबर्स है वॉरियर फैमिली के वो कुछ भी करेंगे इस आइटम को पाने के लिए, हम सिविलियंस तो इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते और बाय करना तो दूर की बात है। तो एक बोल रहा होता है कि अब जो टॉप 3 ग्रेटेस्ट वेपन रिफाइनर्स है वो वांग वॉरियर फैमिली में, किंग इंसेक्ट में और फेंग टियान पैलेस में है, हमें कुछ भी करके ये पाना पड़ेगा चाहे जितना मर्जी प्राइस पे कर पाए हम, क्योंकि जो वेपन रिफाइनर है इन 3 फैमिली में उनको हम जितना मर्जी प्राइस दें पर वो हमारी हेल्प नहीं करेंगे, इसलिए जो वेपन रिफाइनमेंट स्किल है ये हमें पानी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम ये वेपन रिफाइनमेंट टेक्निक किसी बंदे को देंगे तो वो पक्का वेपन रिफाइनर बन जाएगा जो कि एक प्राइसलेस ट्रेजर बनाती है स्किल को। तो हमें दिखाया जाता है थर्ड सन ज्यूगे फैमिली का ज्यूगे फेंग जो कि एक लड़की के गोद में सोया होता है, बोलता है कि 20,000 स्क्वायर क्रिस्टल। ये देख के पूरे जो ऑक्शन की ऑडियंस होती है वो हैरान हो जाती है। तो हाउलाओ बोलता है कोई और प्राइस को रेज करना चाहता है इससे ज्यादा, अगर कोई नहीं करेगा तो वेपन रिफाइनमेंट स्किल ज्यूगे थर्ड सन की हो जाएगी। तो एक कैबिन से आवाज आती है मैं 20,100 स्क्वायर क्रिस्टल्स बोलता हूँ। तो जोजियान बोलता है कि तुम्हारे पास इतने ज्यादा क्रिस्टल्स कहाँ से आए। मोकैन भी बोल रहा होता है ब्रदर लू जांग तुम पागल हो चुके हो क्या। लू जांग बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर मैं इस प्राइस को बोल रहा हूँ तो मैं कैपेबल हूँ इसको पे करने के लिए। तो फिर ज्यूगे फेंग बोलता है 22,000 स्क्वायर क्रिस्टल। ज्यूगे फेंग बोलता है उस लड़की को जोफी मेरी हेल्प करो उस बच्चे का मुंह बंद करने के लिए। लू जांग बोलता है 22,100 स्क्वायर क्रिस्टल। जोफी वहां पे आ जाती है लू जांग के सामने और बोलते है कि हेलो ब्रदर मेरे यंग मास्टर चाहते हैं कि तुम इस आइटम को छोड़ दो और यंग मास्टर को लेने दो। लू जांग बोलता है मैं इसको छोड़ूं क्यों। जोफी बोलती है बिकॉज मेरे यंग मास्टर बोल रहे हैं ऐसा, और मेरे यंग मास्टर का पहला नेम ज्यूगे और उसका लास्ट नेम फेंग है। लू जांग सोच रहा होता अच्छा ये वही बंदा जो मेरी जिंदगी को झंड कर रहा है कब से। लू जांग बोलता है ओ अच्छा ये वो बंदा ना जिसको सभी मैडमैन बोलते हैं थर्ड। जोफी बोलती है अच्छा अब डर गए तुम, मेरी एडवाइस यही है कि तुम कम्पीट ना करो उनके साथ। तो फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे कैसे उसने लू जांग की जिंदगी में मुश्किलें लाई थी। तो पहले स्टार्टिंग में वो ट्रायल में आया था और अपने डिसिबल साथियों को बोलता है लू जांग का टोकन लेने के लिए, पर लू जांग उसे वहां पे पंच मार के गिरा देता है। सेकंड सीन में वो अपने सर्वेंट को बोलता है एक डिसिपल को लू जांग के खिलाफ लड़ाने के लिए, पर वो प्लान भी उसका फेल हो जाता है। और थर्ड सीन में वो आर्मी जनरल और हाइशा और बाइशा को डाल लेता है ताकि वो लू जांग को मार सके ब्लेड इंसेक्ट को हंट करने वाले मिशन में। तो लू जांग बोलता है जोफी को अपने यंग मास्टर को बोल दो कि तू भाड़ में जा मैं नहीं पीछे हटूंगा। जोफी बोलती है क्या, और उसको बड़ा ज्यादा गुस्सा चढ़ जाता है और उसके बाल बड़े ज्यादा नुकीली निडल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो उसकी तरफ अटैक करने लग पड़ते हैं। जोफी बोलती है कि तुम्हें पता नहीं कि पीपल जो मेरे यंग मास्टर के साथ मैस करते हैं वो रिग्रेट करते हैं बड़ा ज्यादा, और वो मर चुके हैं सारे और ग्रेव्स में अपनी अभी। लू जांग बोलता है तुम मेरे से लड़ना
जानना चाहते हो तुम यहाँ वहाँ क्यों नहीं देख रहे, तुम्हें पता नहीं हम कहाँ पे हैं अभी। वहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे कौन नॉइस मचा रहा है इतनी ज्यादा। जोफी बोलते हैं कि तुम बड़े ज्यादा लकी हो। फिर जोफी वापस चले जाती है ज्योगी फैंग के पास, लुजैंग बीडिंग स्टार्ट करता है। फिर बोलते हैं कि 24,100 स्क्वायर क्रिस्टल। ज्योगी फैंग बोलते हैं 24,100 क्रिस्टल, ये तो वही गाय है जो पहले भी प्राइस को बढ़ा रहा था। जोफी बोलती है बच्चा बात नहीं मान रहा, मैंने इसको बताया भी तुम्हारा नाम पर, वो बोलता है कि तुम्हें बाहर में जाने के लिए। ज्योगी फैंग बोलता है अच्छा ऐसे बंदे अभी भी जिंदा है यहाँ पे, तुमने उसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया। जोफी बोलता है वो सिर्फ हाफ स्टेप कायर एलम में है, पहले हाफ स्टेप इनिशिएटर एलम था, पता नहीं इसको चेंज क्यों कर दिया गया है, और वो आउटर डिसिपल और उसका नाम लुजैंग है, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। ज्योगी फैंग बोलता है लुजैंग अच्छा मैं इस आइटम पे गिव अप करता हूँ, उसे लेने देता हूँ। और जोफी बोलती है कि तुम गिव अप क्यों कर रहे हो और वो बंदा कौन है। ज्योगी फैंग बोलता है उस बंदे ने मेरे साथ बड़े ज्यादा बार पंगे लिए हैं, मैं रिवेंज लूंगा उसके ऊपर और इस डे का सीन भी नहीं भूलूंगा, बदतमीज बच्चे को इस बुक को लेना देता हूँ, उसको तो मैं सभी जो भी है ये सब मेरे साथ उसने जो किया उसका बदला साफ में लूंगा। फिर हाउला बोलते हैं ये वेपन रिफाइनमेंट स्किल जो है वो सोल्ड होती है 24,100 स्क्वायर क्रिस्टल्स में। तो ज्योगी फैंग बोलते चलो हम उसको मिलते हैं रिवेंज लेते हैं। तो ज्योगी फैंग लुजैंग को देखता है और बोलता है अच्छा तुम हो लुजैंग, और अपनी उंगली से इशारा करता है उसको मारने वाला। लुजैंग बोल रहा होता है ज्योगी फैंग तुमने फाइनली अपनी शक्ल दिखाई दी है मुझे। एक गार्ड बोलता है कि सेकंड यंग मास्टर को जल्दी से बोल दो आने के लिए यहाँ पे, दूसरे गार्ड को। ज्योगी फैंग बोलता है अच्छा तुम हो जांग वूजी के यंगर ब्रदर। तो वूजियन बोलते हैं यंग मास्टर फैंग मेरा जो भाई है वो गेस्ट को वापस भेजने के लिए गया है, तो वो यहाँ पे अभी नहीं है इस मोमेंट में। ज्योगी फैंग बोलते हैं मेरी बात सुनो, मैं रिस्पेक्ट करूंगा जांग फैमिली को और कोई भी ट्रबल्स नहीं क्रिएट करूंगा तुम्हारी फैमिली टेरिटरी में, पर मुझे उस बंदे से बात करनी है थोड़ी सी, तो मेरे रास्ते से हट जाओ। वूजियन ये सुन रहा होता है और थोड़ा ऑकवर्डली हंस रहा होता है और उसके तो पसीने छूट गए होते हैं। तो फिर ज्योगी फैंग लुजैंग के सामने आ जाता है और बोलते हैं कि लुजैंग तुमने मेरे फैमिली सर्वेंट को असॉल्ट किया था, बेशा और हाइशा को मार दिया, तुम उन सभी को कैसे पे करोगे मेरे को वापस। तो लुजैंग बोलता है जो मेरे को डिसरिस्पेक्ट करेगा वो मरने के काबिल है, उनको मरना ही पड़ेगा। ज्योगी फैंग फिर कंटिन्यू करता है और बोलता है कि इस टाइम तुम मेरी वेपन रिफाइनमेंट मेथड को भी स्टील करना चाहते हो। तो लुजैंग बोलता है वो बुक तुम्हारी नहीं थी, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि मैंने वो चुराई है, मैंने वो बीट करके पाई है, ठीक है मैंने वो चुराई नहीं है और अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ उसके साथ। ज्योगी फैंग फिर क्लैप करता है और बोलता है कि बड़ा ज्यादा टाइम हो गया मुझे ऐसा बंदे को देखे हुए जो तुम्हारी तरह हो, पर जो तुम्हारी तरह होते हैं वो बड़ी जल्दी मर जाते हैं। लुजैंग बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है, जिस तरह से तुम पीपल्स को थ्रेटन करते हो मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे पास बड़ा ज्यादा गंदा एटीट्यूड है और तुम बड़े ज्यादा स्पॉइल किए गए हो फैमिली के द्वारा, पर मैं जो लुजैंग हूँ वो स्टेप बाय स्टेप पहुंचा हूँ जहाँ पे मैं अभी हूँ, और तुम्हारे जैसे ये जो धमकियां होती हैं मैंने बड़ी सुनी हुई हैं और मैं बोर हो गया उनको सुन सुन के। तो ज्योगी फैंग सोच रहा होता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बच्चा जो है ये इतना ज्यादा जिद्दी होगा। तो लुजैंग बोलता है अगर तुम मेरी जिंदगी को लेना चाहते हो तो आ जाओ ले लो, मैं तुम जैसे बंदों को तो सोचता भी नहीं हूँ तुम्हारी एग्जिस्टेंस को कि तुम कुछ हो भी मेरे सामने, और ये सेम तुम्हारी ज्योगी फैमिली को भी कंसिडर करता हूँ मैं तुम्हें कुछ मानता ही नहीं हूँ अपनी आंखों के सामने। तो ज्योगी फैंग सोच रहा होता है कि मैंने एग्री किया हुआ है कि मैं जांग फैमिली की टेरिटरी में कुछ भी ट्रबल कोज नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे अभी मूव नहीं कर सकता और इसको सबक नहीं सिखा सकता हूँ। तो ज़ोफी आगे आके बोलती है कि जांग फैमिली की टेरिटरी है तो तुम सोचे कि तुम कुछ भी करोगे और कुछ भी बोलोगे, तुम सिर्फ एक आउटर डिसिपल हो, तुम्हारे पास राइट्स किसने दिए कि तुम ज्योगी फैमिली को ऐसा बोल सकते हो। तो फिर ज्योगी फैंग वापस चल पड़ता है और बोलता है कि भूल जाओ ज़ोफी चलते हम चलो। ज़ोफी बोलती है पर फैंग रुक जाओ ये ऐसे कैसे बोल सकता है। ज्योगी फैंग नहीं सुनता और वो चल पड़ता है। ज़ोफी सोच रही होती है कि नेक्स्ट टाइम अगर मैंने तुम्हें देखा तो मैं कोई भी तुम्हारे ऊपर दया नहीं दिखाऊंगी और तुम्हें मार दूंगी लुजैंग। ज़ोजियन बोलता है ब्रदर लुजैंग तुम बड़े ज्यादा औसम हो। लुजैंग बोलता है कि अब इसको डील करने का और कोई तरीका नहीं था, अगर तुम क्या सोच रहे हो कि मैंने इससे प्यार से बात की होती है, इसको प्यार से ट्रीट किया होता तो ये ऐसा भी नहीं करता, अगर मैंने ट्रायल के टाइम इसको टोकन दे दिया होता तो मैं यहाँ पे नहीं होता और उसने मेरे लिए बड़ा ज्यादा ट्रबल कॉज किया मेरी जिंदगी में, तो इसको ऐसे ट्रीट करना ज्यादा सही होगा। तो वूजियन बोल रहे होते कि लुजैंग अगर वो नेक्स्ट टाइम तुम्हें मिलेगा तो मुझे डर लगता है कि वो कुछ करेगा तुम्हारे साथ। तो फिर हाउला बोलते हैं कि नेक्स्ट आइटम जो मैं प्रेजेंट करता हूँ वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट आइटम है। तो वो एक छोटी सी बोतल को निकालता है, तो फिर हमें बताया जाता है वो स्काई एम्बर एसेंस होता है जो कि आर्टिफैक्ट में डायरेक्टली अप्लाई किया जा सकता है और आर्टिफैक्ट्स का रैंक एक ग्रेड से इंक्रीज हो जाता है उसको अप्लाई करेंगे तो। वो बोलता है कि इस बोतल में 50 ड्रॉप्स हैं स्काई एम्बर एसेंस की और लोएस्ट प्राइस में इसका 2000 क्रिस्टल शार्ड्स रखता हूँ, अब हम स्टार्ट कर सकते हैं इस बिडिंग को। तो जो मेंबर्स होते हैं ऑक्शंस के वो बोल रहे होते हैं कि चाहे कुछ भी हो चाहे जितना मर्जी प्राइस हमें पे करना पड़े मैं स्काई एम्बर एसेंस को पक्का ही लूंगा। दूसरा बोल रहा होता है कि टियानलू ऑक्शन हाउस पक्का अपने रेपुटेशन को मेंटेन करके रखते हैं और अपनी रेपुटेशन जितना मान हमें प्रोवाइड भी करते हैं उनके पास सब कुछ है। तो एक बोल रहा होता है कि मैं ये इसको पाना तो चाहता हूँ पर मेरे पास इतना पैसा नहीं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ इसको। लुजैंग सोच रहा होता है तो वैसा ही एसेंस जो मैं वेपन्स को मेल्ट करके बनाता हूँ अपने ब्लैक फायर से। तो लुजैंग बोलता है मोकैन को कि ये वैल्यूएबल नहीं है क्या। तो मोकैन बोलता है स्काई एम्बर एसेंस आर्टिफैक्ट्स में पाया जाता है पर ऐसा कोई भी नहीं है जो इसे रिफाइन कर पाए, इसलिए ये बड़ा ज्यादा वैल्यूएबल है। तो लुजैंग बोलता है अगर कोई भी इसको प्रोड्यूस नहीं कर पाता तो ये यहाँ पे कहाँ से आया। तो मोकैन बोलता है ये बात बड़ी अजीब है पर तुम्हें पता ही है इस धरती पे जो लोग हैं वो
कुछ बड़े ज़्यादा लकी होते हैं और इन चीज़ों को पा सकते हैं, उनको गुड स्टफ मिल जाता है, ऐसे रास्ते में पड़ा हुआ भी कहीं पे मिल जाता है। हाउलाव बोलते हैं कि जो 50 ड्रॉप है स्काई एम्बरेसेंस की, उनका फाइनल प्राइस हुआ 12,000 क्रिस्टल शार्ड। तो लुजंग सोच रहा होता है अगर मैं 10 वन लेवल मार्शल वेपन्स को बाय करूंगा तो उनकी कॉस्ट मेरे को पड़ेगी 1000 क्रिस्टल शार्ड, पर अगर मैं उनको रिफाइन करूंगा और 50 ड्रॉप बनाऊंगा स्काई एम्बरेसेंस की और मैं उनको सेल करूंगा तो वो 10,000 क्रिस्टल शार्ड की पड़ेंगी मेरे को और उनका बड़ा ज्यादा प्रॉफिट होगा, मुझे 9,000 क्रिस्टल शार्ड का प्रॉफिट होगा अगर मैं ऐसा करूंगा। और अगर मैं 50 ड्रॉप जो है स्काई एम्बरेसेंस की उनको यूज करूंगा लाइट अप करने के लिए ड्रैगन स्किल्स को, 10 ड्रैगन स्किल्स लाइट अप हो जाएंगे। पर अगर मैं उसको सेल करूंगा तो मैं और भी ज्यादा मार्शल्स वेपन को बाय कर सकता हूँ और इस प्रोसेस से मेरे को बड़ा ज्यादा फायदा होगा और मैं बड़ा ज्यादा पावरफुल भी हो सकता हूँ। फिर वो हंसता है और बोलता है कि ऐसे तो मैं बड़ा ज्यादा पैसा कमा भी पाऊंगा और पावरफुल भी हो जाऊंगा, मैं तो फॉर्च्यून बनाऊंगा बड़ा ज्यादा। तो मोकैन बोल रहा होता है लुजंग तुम ऐसे क्या सोच में चले जा रहे हो, तुम्हारा जो क्रिस्टल कोर है वो 70,000 क्रिस्टल शार्ड्स का बिका है और ये प्राइस मेरे को ठीक लग रहा है। जोजियान भी बोल रहा होता है कि जो प्रोसीजर है मनी को हैंडल करने का लुजंग चलो हम उसे कलेक्ट करते हैं जाके। तो फिर लुजंग बुजियान मोकैन जोजियान चल पड़ते हैं ऑक्शन हाउस से बाहर और वहां पे हमें दिखाई देता है जांग वूजी। वो बोल रहा होता है कि ये तो बड़ी ज्यादा कमाल की बात है, वूजियान तुम्हारा फ्रेंड बड़ा ज्यादा अमेजिंग है, ब्रदर लू तुमने जो अपना सामान बेचा है तुमने अभी तक मेरे को पता मनी रिसीव नहीं की है, चलो मेरे साथ रेयर हॉल में चलो मैं तुम्हें मनी देता हूँ वहाँ पे। तो वूजियान बोलता है लुजंग ये मेरा बड़ा भाई है जांग वूजी। जांग वूजी बोलते तुम मेरे छोटे भाई के दोस्त हो इसलिए मैं तुमसे कोई फीस नहीं लूंगा, 10% फीस हम लेते हैं ऑक्शन फीस। लुजंग बोल रहा होता है ये मेरे को सही नहीं लग रहा तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो वूजियान बोल रहा होता ब्रदर लुजंग तुम मेरे को अभी भी अपना दोस्त नहीं मानते हो क्या, तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जांग वूजी एक चेक टाइप देता है लुजंग को, वो एक जेड स्लेट पे बनाया होता है और बोलते हैं कि लुजंग ये तुम्हारे 45,000 क्रिस्टल शार्ड्स हैं जो कि मैंने इसमें डिपॉजिट कर दिए हैं और ये जांग फैमिली का चेक नोट है तुम्हारे लिए, ये हर प्लेस में चलता है, तुम इसको कहीं भी यूज कर सकते हो चाहे वो रॉयल कैपिटल हो चाहे कहीं भी, तुम इसको किसी भी शॉप में यूज कर सकते हो। लुजंग बोलता है अगर आप ऐसे बोल रहे हो तो ठीक है मैं मान लेता हूँ, मेरे को और कुछ काम है तो मैं यहाँ से अपनी लीव लेता हूँ मैं चलता हूँ। तो फिर लुजंग एक स्टोर में जाता है वेपन के जिसका नाम होता है क्वान जीगी, वहाँ पे वो एंटर करते तो एक वर्कर होता है वो बोलता है कि एस्टीम गेस्ट तुम्हें क्या चाहिए, तुम किस टाइप के मार्शल वेपन को ढूंढ रहे हो, तुम किसी भी तरह का वेपन यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। लुजंग बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास कितने जुआन लेवल मार्शल वेपन है, तो वो वर्कर बोलता है इस सेंट्रल पेविलियन में 223 आइटम्स मिलेंगे, तुम्हें कोई पर्टिकुलर वेपन चाहिए जो तुम ढूंढ रहे हो। तो लुजंग बोल रहा होता है कि 223 जुआन लेवल वेपन मैं सभी को बाय करना चाहता हूँ। वर्कर बोल रहे होते हैं कि एस्टीम गेस्ट तुम मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता भी एक जुआन लेवल वेपन कितना कॉस्ट करता है। लुजंग बोल रहे होते हैं अगर हम एवरेजली कैलकुलेट करेंगे तो एक जो जुआन लेवल वेपन होता है वो 100 क्रिस्टल शार्ड्स का होता है, तो सभी टोटल मिला के 20,000 क्रिस्टल शार्ड्स बने, मैं ये चाहता हूँ बाय करना। और तो वो वर्कर गुस्सा हो जाता है, वो सोच रहा होता है कि लुजंग मजाक कर रहा है और बोलता है 20,000 क्रिस्टल शार्ड तुम क्या मजाक समझ रहे हो पैसे को, तुम क्या सोच रहे हो किसी के पास भी इतने ज्यादा पैसे होते हैं, यहाँ से चल जाओ मेरा दिमाग मत खराब करो। तो लुजंग उस स्टोर के ओनर के पास जाता है और वहाँ पे अपना चेक रखता है जो कि 45,000 क्रिस्टल शार्ड्स का है और बोलता है कि मैं जुआन लेवल वेपन्स को बाय करना चाहता हूँ। तो स्टोर का ओनर पैनिक हो जाता है इतना ज्यादा पैसा देख के और बोलता है कि एस्टीम गेस्ट हमारे पास मार्शल वेपन्स हैं पर हमारे पास उससे ज्यादा अच्छे वेपन्स हैं, क्या मैं तुम्हें लेके जाऊँ उनको देखने के लिए। तो लुजंग बोलता है कोई जरूरत नहीं है। फिर वो ओनर बोलता है कि तुमने कोई डिसाइड किया कि तुम किस तरह का जुआन लेवल मार्शल वेपन चाहते हो। लुजंग बोलता है वो जो तीन फर्नेंस है उनके अलावा मेरे को 220 जुआन लेवल जितने भी तुम्हारे पास वेपन वो सारे चाहिए। वो ओनर बोल रहा होता है क्या तुम मजाक कर रहे हो। तो लुजंग बोल रहा होता है कि मैं सभी को बाय करना चाहता हूँ और तुम मुझे डिस्काउंट दोगे ना अगर मैं सभी को बाय करूंगा तो। फिर बोलता है हाँ मैं पक्का तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। फिर वो सभी वर्कर को बोलता है कि सभी इस वैल्यूएबल कस्टमर की हेल्प करो, तो जितने भी जुआन लेवल वेपन्स हैं उनको लाओ इसके लिए। वो पहले वाला वर्कर भी वहाँ पे छुपा होता है और देख रहा होता है अपनी गलती को, सोच रहा होता है कि मैंने कितनी बड़ी ज्यादा गलती कर दी है। हमें किंगिन सेक्ट का सीन दिखाई देता है, वहाँ पे लुजंग बैठा होता है और अपनी जूमी रिंग से वेपन निकाल रहा होता है और अपनी ब्लैक फायर की मदद से उनको पिघला के एसेंस में कन्वर्ट कर रहा होता है और उन सभी को पिघला के लुजंग ने 1000 ड्रॉप इकट्ठी कर ली होती है स्काई एम्बर एसेंस की उन वेपन्स में से। फिर लुजंग उस स्काई एम्बर एसेंस को यूज कर लेता है अपने हाथ में रख के। वो फिर जैसे ही स्काई एम्बर एसेंस जाता है तो वो ड्रैगन स्किल्स को लाइट अप कर देता है। उसने 500 ड्रॉप यूज की होती है स्काई एम्बर एसेंस की और जिसकी वजह से 100 से ज्यादा ड्रैगन स्किल्स लाइट अप हो गए होते हैं। और फिर वो बोल रहा होता है कि अगर मैं 100 ड्रैगन स्किल्स से ऊपर की स्ट्रेंथ को यूज करूंगा तो मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट की है, मेरी एबिलिटीज कितनी ज्यादा इंक्रीज हुई है। तो गाइस चैप्टर नंबर 13 इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करो अगर आपको वीडियो पसंद आई कि नहीं, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।